हेलो क्लास थर्ड, वेलकम स्टूडेंट्स। ये वीडियो आपकी ईवीएस के फिफ्थ चैप्टर की है। फिफ्थ चैप्टर आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट्स नेम इज़ मैपिंग द नेबरहुड। हमारे जो आस पड़ोस की चीज़ें हैं उसका हम प्रतिचित्रण कैसे बना सकते हैं, यानी उसका मैप कैसे बनता है। मैप आपने नाम सुना होगा, मानचित्र होता है। तो हमारे आस पास की चीज़ों का मैपिंग कैसे करते हैं हम, ठीक है। लोकेटिंग पीपल और प्लेसेस इन अ गिवन एरिया इज कॉल्ड मैपिंग, ठीक है। लोगों को और स्थानों को दिए गए एरिया में लोकेट करना, ठीक है, यानी उन्हें वहाँ पे स्थापित करना, उनकी पोजीशन क्रिएट करना क्या कहलाता है, मैपिंग। द ईजिएस्ट वे टू लोकेट अ प्लेस इज़ बाय नोइंग द डायरेक्शंस। जो सबसे आसान तरीका है किसी भी प्लेस को लोकेट करने का या किसी जगह को बसाने का, वो सबसे अच्छा तरीका, सबसे ईजी तरीका कौन सा है, नोइंग द डायरेक्शंस, यानी दिशाओं का ज्ञान। दिशाओं के बारे में अगर हम जानते हैं तो हम ये आसानी से कर सकते हैं। देयर आर फोर मेन डायरेक्शंस, चार मेन डायरेक्शंस होती हैं। नंबर वन, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ, ठीक है। ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ। अब हम इनका पता कैसे लगाएंगे, देखिए। द सन राइजेज इन द ईस्ट, सन जो है, सूरज जो है वो ईस्ट में उगता है, एंड सेट्स इन द वेस्ट, और वेस्ट में छिपता है। सो वैन यू फेस द राइजिंग सन, ईस्ट इज इन फ्रंट ऑफ यू। इसलिए जब आपका चेहरा उगते हुए सूरज की तरफ होगा, इसका मतलब ईस्ट जो डायरेक्शन है वो आपके बिल्कुल सामने होगी। बिहाइंड यू इज़ द वेस्ट, तो आपके पीछे कौन सी डायरेक्शन होगी, वेस्ट। नाउ स्ट्रेच बोथ योर आर्म साइडवेज। अब अपनी दोनों हाथों को दोनों तरफ फैलाइए, इस तरह, लाइक दिस, ठीक है। योर लेफ्ट आर्म इज़ पॉइंटिंग टू दी नॉर्थ, आपकी जो लेफ्ट आर्म होगी वो किसे पॉइंट करेगी, नॉर्थ डायरेक्शन को। एंड राइट आर्म इज़ पॉइंटेड टू द साउथ, और जो आपकी राइट आर्म होगी वो पॉइंट करेगी साउथ डायरेक्शन को। तो इस तरीके से हम डायरेक्शंस का पता लगा सकते हैं। वॉट इज़ अ मैप, मैप क्या है, एक मानचित्र क्या है। हैव यू एवर सीन अ मैप, क्या आपने कोई मैप देखा है। अ मैप इज़ अ जियोग्राफिकल ड्राॅइंग of an area drawn on a flat surface such as a paper। मैप क्या होती है, एक भौगोलिक ड्राइंग होती है एक एरिया की, जिसे एक फ्लैट सरफेस पर, यानी सीधी जगह पर, समतल जगह पर, जैसे कि पेपर पर बनाया जाता है। इट शोज़ अस वेयर अ प्लेस इज़ लोकेटेड, ये हमें ये दिखाता है कि एक प्लेस कहाँ पे स्थित है, जिस जगह को हम ढूंढ रहे हैं वो कहाँ पे है। इट ऑल्सो शोज़ डिफरेंट लैंडमार्क्स ऑफ द एरिया, ये उस एरिया के अलग अलग लैंडमार्क्स को भी शो करता है। लैंडमार्क्स जैसे कहाँ पे नदी है, कहाँ पे पहाड़ हैं, कहाँ पे कुछ बना हुआ है, ठीक है, कोई कहाँ पे पोस्ट ऑफिस है यहाँ पे इस एरिया में, कहाँ हॉस्पिटल है, कहाँ पे कौन सा रोड है, कौन सी बिल्डिंग है, ये चीज़ें, ठीक है। वी कैन ड्रॉ द मैप ऑफ अ लोकेलिटी, अ टाउन, अ सिटी, अ स्टेट, अ कंट्री, अ कॉन्टिनेंट और द वर्ल्ड। हम मैप किस किस चीज़ का बना सकते हैं, एक लोकेलिटी यानी एक स्थान का, एक इलाके का बना सकते हैं, एक टाउन का बना सकते हैं, एक शहर का, एक राज्य का, एक देश का, एक कॉन्टिनेंट का, महासागर, महाद्वीप, ठीक है, और एक संसार का, पूरे वर्ल्ड का हम क्या कर सकते हैं, मैप बना सकते हैं। अ कलेक्शन ऑफ मैप्स इन अ बुक इज़ कॉल्ड एन एटलस, इस तरीके से इन मैप्स का कलेक्शन जिस बुक में रखा जाता है उस बुक को क्या कहते हैं, एटलस कहते हैं। अब हम देखेंगे सिंबल्स एंड कलर्स, कुछ सिंबल्स और कलर्स का यूज़ किया जाता है इन मैप्स में, वो क्या होते हैं देखते हैं। सिंबल्स एंड साइंस आर यूज टू शो लैंडमार्क्स ऑन अ मैप, सिंबल्स और साइंस यानी प्रतीक चिन्हों का इस्तेमाल लैंडमार्क्स को दिखाने के लिए किया जाता है, मैप में लैंडमार्क्स दिखाने के लिए। जैसे अ सिंबल और अ साइन हैज़ अ फिक्स्ड मीनिंग, दैट इज़ यूज टू डिनोट समथिंग विदाउट यूजिंग टू मच स्पेस इन मैप्स। मैप में क्या होता है कि ज़्यादा स्पेस नहीं लगे, ज़्यादा स्पेस नहीं होता, यहाँ पर बड़ी बड़ी चीज़ें लिखने की बजाय क्या करते हैं, साइन और सिंबल्स का यूज़ कर देते हैं। उन फिक्स्ड मीनिंग होता है उसका, जिसका मतलब ये है कि यहाँ पे ये जगह बनी हुई है। जैसे सम सिंबल्स आर गिवन बिलो, देखते हैं, अगर कहीं पे पीक यानी कोई चोटी है पहाड़ की, तो वहाँ पे ऐसा निशान मिलेगा आपको, ऐसा सिंबल मिलेगा, ना कि वहाँ पे लिखा हुआ होगा कि ये पीक है। एयरपोर्ट अगर कहीं है तो एयरपोर्ट नहीं लिखा हुआ मिलेगा आपको, ऐसा सिंबल मिलेगा। कैपिटल जो होती है किसी भी स्टेट की, उसके लिए ऐसा पॉइंट मिलता है आपको। टाउन और सिटी के लिए ऐसा मिलता है। रेलवेज का साइन ये होता है और रिवर का साइन ये होता है। इस तरीके से ये साइंस अपने को मैप में देखने को मिलते हैं, ना कि उनका नेम लिखा हुआ मिलता है, ठीक है।
कलर्स आर यूज टू शो डिफरेंट लैंड फॉर्म्स एंड वाटर बॉडीज़। कलर्स का यूज़ अलग अलग लैंड फॉर्म्स को दिखाने के लिए और वाटर बॉडीज़ को दिखाने के लिए किया जाता है। लैंड फॉर्म्स आर शोन इन ब्राउन और ग्रीन एंड वाटर बॉडीज़ आर शोन इन ब्लू। लैंड फॉर्म्स जो हैं उन्हें ब्राउन और ग्रीन कलर में शो किया जाता है और वाटर बॉडीज़ को ब्लू कलर से शो किया जाता है। मैप्स हैव अ स्मॉल की कॉल्ड अ लेजेंड दैट टेल्स व्हाट ईच सिंबल एंड कलर स्टैंड्स फॉर। मैप्स जो है वो एक स्मॉल की होते हैं जिसे क्या कहा जाता है, लेजेंड, एक लेजेंड, ठीक है, यानी कि एक प्रसिद्ध स्मॉल की होती है मैप्स, जो हमें हर एक सिंबल और कलर के बारे में बताती है कि वो किसको यहाँ पे शो कर रहा है, ठीक है। डायरेक्शन इन अ मैप, अब हमने एक लड़के को अपने फेस को अपनी डायरेक्शन के हिसाब से तो देख लिया अभी किस तरफ साउथ ईस्ट नॉर्थ वेस्ट का पता लगता है, अब हम मैप में डायरेक्शंस का कैसे पता लगाएंगे। लेट्स सी, इफ़ यू लुक एट अ मैप हैंगिंग ऑन अ वॉल, अगर आप एक दीवार पर लटक रहे मैप को देख रहे हो, इट्स टॉप शोज द नॉर्थ, तो इसका जो टॉप एरिया है वो क्या शो करेगा, नॉर्थ डायरेक्शन शो करेगा, एंड द बॉटम साउथ, और बॉटम नीचे क्या होगा, साउथ होगा। द ईस्ट इज टुवार्ड्स द राइट एंड वेस्ट इज टुवार्ड्स द लेफ्ट, तो आपके राइट हैंड की तरफ क्या होगा, ईस्ट होगा, और वेस्ट किस तरफ होगा, आपके लेफ्ट हैंड की तरफ। द directions आर ऑलवेज शोन इन द सेम वे इन ऑल द मैप्स, directions जो है वो हर एक मैप में एक ही तरीके से दिखाई जाती है, एक ही तरीके से शो की जाती हैं। अब हम देखते हैं स्केच, स्केच होता है रेखा चित्र। स्केच इज़ अ रफ ड्राइंग ऑफ अ प्लेस यूजिंग साइंस कलर्स एंड सिंबल्स। स्केच जो होता है वो एक रफ ड्राइंग होती है एक जगह की जिसमें साइंस कलर्स और सिंबल्स यूज़ किए जाते हैं। स्केच इज़ नॉट मेड ऑफ एग्जैक्ट मेजरमेंट्स, स्केच जो होता है वो एग्जैक्ट मेजरमेंट पूरे नापतोल के साथ नहीं बनाया जाता। लुक एट द स्केच ऑफ अलीशाज नेबरहुड, अब हम यहाँ अलीशा के आस पड़ोस का स्केच देखेंगे, वहाँ पे कौन कौन सी चीज़ें अलीशा के घर के आसपास हैं। इट शोज सम इम्पोर्टेंट प्लेसेज अराउंड अलीशाज हाउस, ये हमें अलीशा के घर के आसपास के कुछ इंपॉर्टेंट प्लेसेस दिखाएगा, जैसे लेट्स सी, ये है अलीशा का घर, ठीक है, और इस तरफ ये है मार्केट, ये है अब्दुल कलाम रोड, ये है रानी लेन, और ये है यहाँ फिर मार्केट, यहाँ पे स्कूल है, यहाँ पे अनू का घर है, ये सन लेन है, ये पोस्ट ऑफिस है, ये पटेल रोड है, ये पार्क है, यहाँ पे हॉस्पिटल है, यहाँ पे बैंक है, यहाँ पे पुलिस स्टेशन है, और यहाँ पे बस स्टॉप है। तो इसमें कोई एग्जैक्ट मेजरमेंट नहीं है, अभी इतने किलोमीटर दूर या इतने किलोमीटर दूर जाके बस स्टैंड है, इस तरफ राइट लेफ्ट ऐसा कुछ नहीं है, बस डायरेक्टली नॉर्मली बताया गया है कि बिना किसी मेजरमेंट के कि अलीशा के घर के आसपास ये चीज़ें हैं, ठीक है। लैंडमार्क्स देखते हैं, लैंडमार्क्स हेल्प अस फाइंड आर वे टू आर डेस्टिनेशन ईजीली। लैंडमार्क्स जो होते हैं वो हमारी मदद करते हैं कि हमें जिस डेस्टिनेशन पे जाना है वहाँ हम आसानी से पहुँच जाए, उसका रास्ता हमें आसानी से बता देता है। जैसे टॉल बिल्डिंग्स, पार्क्स, टेम्पल्स, चर्चेज, मोन्यूमेंट्स एटसेट्रा आर सम कॉमन लैंडमार्क्स, जिन्हें हमें शो किया जाता है, जिन लैंडमार्क्स को, वो हैं जैसे अगर कोई टॉल बिल्डिंग है तो उसे दिखाया जाएगा, पार्क बताए जाएंगे कहाँ पे है, टेम्पल, चर्च और स्मारक कहाँ पे बना हुआ है, ये सब कुछ कॉमन लैंडमार्क्स है जिनका यूज़ किया जाता है, हमें अपना रास्ता ढूंढने में हेल्प हो जाती है। अ कंपास इज़ एन इंस्ट्रूमेंट दैट शोज डायरेक्शंस, कंपास एक ऐसा यंत्र है जो डायरेक्शन शो करता है। इट्स नीडल ऑलवेज पॉइंट टू दी नॉर्थ, इसकी जो सुई होती है वो हमेशा नॉर्थ डायरेक्शन को पॉइंट करती है। हाउ टू ट्रैक द रूट इन अ नेबरहुड, अगर हम एक आस पड़ोस में कहीं जा रहे हैं तो वहाँ के रूट को कैसे ट्रैक करेंगे, कैसे पता लगेगा कि हमें किस रास्ते से जाना है। पिंकी एंड हर अंकल लिव इन द सेम नेबरहुड, पिंकी और उसके अंकल एक ही पड़ोस में रहते हैं, ठीक है, यानी पास पास ही है उनके घर, थोड़ा सा फ़र्क है। शी ऑफन गोज टू हर अंकल्स हाउस, वो अक्सर अपने अंकल के घर जाती है। लेट्स ट्रैक द रूट शी टैक्स, चलिए हम वो रूट देखते हैं जिस रूट को पिंकी लेती है, जिस रूट से पिंकी जाती है अपने अंकल के घर पे। इस तरीके से आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, पहले ये पिंकी है, ये पिंकी का घर है, पिंकी यहाँ से इस रास्ते से होते हुए ऐसे जाते हुए ऐसे जाके यहाँ अपने अंकल के घर पहुँचती है, ठीक है। तो रास्ते में क्या क्या चीज़ें आती हैं, देखिए लेटर बॉक्स आता है, फ्रूट स्टॉल आती है, क्लॉथ स्टॉल आती है, मिल्क बूथ आता है, फिर सुमन का घर आता है, फिर इस तरफ मुड़ना पड़ता है, पार्क आता है, फिर पिंकी के अंकल का घर आता है, ठीक है। तो इस तरीके से हम अब देखते हैं, ओके, तो सबसे पहले आप देखिए, ट्राई टू योरसेल्फ, विच लैंडमार्क्स डज पिंकी क्रॉस ऑन हर वे टू हर अंकल्स हाउस, राइट देयर नेम्स,
पिंकी जब अपने अंकल के घर जाती है तो वो कौन कौन से लैंडमार्क्स क्रॉस करती है उनके नाम आपको बताने हैं। पिंकी इज़ गोइंग बैक होम फ्रॉम हर अंकल्स हाउस, विच प्लेसेस विल नाउ बी टू पिंकी इज़ लेफ्ट एंड विच विल बी टू हर राइट, राइट देम बिलो। पिंकी अब अंकल के घर से वापस अपने घर लौट रही है, तो कौन सी प्लेसेस उसकी राइट साइड होंगे और कौन से प्लेसेस उसके लेफ्ट साइड होंगे वो आपको यहाँ पे लिखने हैं। जो प्लेसेस उसकी लेफ्ट साइड में है वो यहाँ आएंगे और जो राइट साइड में है वो 1, 2, 3, 4 आपको यहाँ लिखने हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं पिंकी का रूट वे। कमिंग आउट ऑफ हर हाउस पिंकी वॉक्स टूवर्ड्स द लेटर बॉक्स। अपने घर से बाहर आते ही पिंकी किस तरफ चलती है? लेटर बॉक्स की तरफ चलती है। देन शी टर्न्स लेफ्ट, उसके बाद वो लेफ्ट टर्न करती है, लेफ्ट मुड़ती है एंड पास इज द फ्रूट स्टॉल, और एक फ्रूट स्टॉल को पास करती है यानी वहाँ से गुजर जाती है, एक फल की दुकान के पास से गुजर जाती है। शी वॉक्स फर्दर लेफ्ट एंड रीचेज द मिल्क बूथ, उसके बाद वो फिर लेफ्ट चलती है और एक मिल्क बूथ तक पहुँचती है। देयर आफ्टर शी टर्न्स राइट, उसके बाद वो राइट साइड मुड़ती है। ऑन हर लेफ्ट इज़ हर फ्रेंड सुमन्स हाउस, इस वक्त उसके लेफ्ट साइड उसकी फ्रेंड सुमन का घर होता है। ऑन हर राइट इज़ अ पार्क, और उसकी राइट साइड एक पार्क है। पिंकी गोज थ्रू द पार्क, पिंकी पार्क से होकर जाती है एंड रीच इज़ हर अंकल्स हाउस, और अपने अंकल के घर पहुँच जाती है। मैप्स आर वेरी यूजफुल टू अस, मैप्स हमारे लिए बहुत यूजफुल होते हैं। वी कैन नॉट लॉस आर वे इफ़ वी लर्न टू रीड डायरेक्शंस एंड सिम्बल्स करेक्टली, हम कभी भी अपना रास्ता नहीं भूल सकते अगर हमें डायरेक्शंस का और सिम्बल्स का अच्छे से जानकारी है तो। अगर हमें वो अच्छे से पढ़ने आते हैं, उनकी जानकारी हमें है, तो हम अपना रास्ता कभी नहीं भूलेंगे। दिस इज़ द रीज़न वाई मैप्स आर समटाइम्स कॉल्ड आवर गाइड्स एंड फ्रेंड्स, यही कारण है कि मैप्स को अक्सर हमारा दोस्त या हमारा गाइड कहा जाता है। ओके ये आपका चैप्टर है स्टूडेंट्स, इसका जो बुक वर्क आपने अभी देखा वो आपको कंप्लीट करना है। ओके थैंक्स एंड हैव अ नाइस डे।